गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। जैसा कि आपका पिछला चैप्टर फर्स्ट द एन्चेंटेड पूल कंप्लीट हो चुका है, उसी के बाद आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर टू, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं सीएल फ्यून्स, जिनका जन्म 1928 को तथा मृत्यु 2012 को हुई थी। ए लेटर टू गॉड एक ही बहुत अच्छी कहानी है। इसमें एक किसान के विश्वास को बताया गया है, दिखाया गया है कि वह भगवान पर बहुत विश्वास करता है, तो वह एक भगवान को पत्र लिखता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वह भगवान को पत्र लिखता है कि मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मेरी सहायता करो। तो एक पत्र भगवान के नाम है, जो वही आज आप कहानी में पढ़ेंगे, तो देखेंगे। पहला पैराग्राफ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर स्थित लेंचो का एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे व पकी हुई फसल को, खेतों को देख सकता था, जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। अच्छी फसल होने के लिए धरती को भारी वर्षा की या एक कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो, जो अपने खेत को बहुत नज़दीक से जानता था, उसने सुबह से उत्तर पूर्व में आसमान की तरह देखने के अलावा कुछ और नहीं किया था। पैराग्राफ सेकंड पे आएंगे सभी लोग। नाउ वी आर रियली Now we are really going to get some water, woman. लेंचो की पत्नी कहती है कि लगता है अब वर्षा होने वाली है। द वुमैन हु वाज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। पत्नी जो कि शाम का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वे खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमैन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। बड़े लड़के थे जो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, पत्नी ने उन सबको पुकारा, आ जाओ भोजन तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रीडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, भोजन करते समय ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें
गिरने लगी। इट द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व के आसमान में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी तथा सुहावनी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेमेड। लेंचो सिर्फ इस कारण से बाहर गया कि वह वर्षा की बूंदों के अपने शरीर पर पड़ने पर होने वाले आनंद को महसूस कर सके, और जब वह वापस आया तो उसने खुशी से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर नॉट न्यू क्वाइंस, दे आर न्यू क्वाइंस। ये जो आसमान से बूंदे गिर रही हैं बूंदे नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। दीज बिग ड्रॉप्स आर 10 cent piece एंड द लिटिल वंस आर 5s। जो बड़ी बूंदे हैं वे 10 cent के सिक्के हैं तथा छोटी बूंदे 5 cent के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रॉपेड इन सर्टेन ऑफ रेन। वर्षा से हुई संतुष्टि के कारण लेंचो को ऐसा लगा कि जैसे पके हुए अनाज से लदा हुआ खेत वर्षा की चादर में लिपटा हुआ हो। बट लेकिन सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्यूरली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर क्वाइंस द वॉइस एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फॉरिजिन पियर्ल्स। ये ओले बिल्कुल चांदी के नए सिक्कों की तरह लग रहे थे। वर्षा बच्चे भी वर्षा में भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को चुनने के लिए बाहर चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेमेड द मैन। यह बहुत बुरा होता जा रहा है, लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह बारिश जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन हावर द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। लेकिन यह तूफान शीघ्र ही ख़त्म नहीं हुआ अगले एक घंटे तक ओले पूरी घाटी में, घर में, बगीचा में, पहाड़ी अनाज के खेत में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी गिर चुके थे।
लेंचोज, शाउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, बैकहीथ, जब तूफान रुक गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला। तो आज सभी बच्चों हम आपको 4 पैराग्राफ्स तक ही पढ़ा रहे हैं, इसके बाद कल हम आपको अगले 5 पैराग्राफ से पढ़ाएंगे। तो सभी लोगों इसे ठीक से समझ ले, क्योंकि इसके बाद हम आपको पैसेज भी दे रहे हैं जो सभी स्टूडेंट्स को करने भी हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमने आपको पैराग्राफ पढ़ाया था लंचो से लेके कम फॉर डिनर तक, सभी के इसमें पैराग्राफ है और उसमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला, हु वाज लंचो, वेयर वाज हिज हाउस लोकेटेड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड लंचो थिंक अर्थ नीडेड। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज वुमैन प्रिपेयरिंग द सपर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द ओल्डर एंड द स्मॉलर बॉय डूइंग। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग। तो सभी बच्चों ये आपका पैसेज है, तो इसे सभी बच्चों आपको इस पैसेज से सारे आंसर करने हैं। जिस किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो वह पूछ सकता है और सभी लोग ये पैसेज कर लें। और इसके बाद कल हम आपका इसी के आगे का भाग भी पढ़ाएंगे।